The length of a rectangle exceeds. The length of a rectangle exceeds. Exceeds का मतलब क्या बताया था मैंने? बढ़ जाती है. ओके, देखिए जो लेंथ है वो बढ़ जाती है या ज्यादा होती है किससे? एक्सीड्स इट्स विड्थ. विड्थ से, ये विड्थ है, ये लेंथ है, तो लेंथ विड्थ से ज्यादा है. कितनी ज्यादा है? 8 सेंटीमीटर है ना. तो इसका मतलब आप अज्यूम किसको करोगे? किसी को भी अज्यूम कर सकते हो आप अगर विड्थ को अज्यूम करोगे, देखो एक्स सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना. और अदर वे राउंड भी आप बोल सकते हैं क्या, कि अगर आप लेंथ को अज्यूम करेंगे x सेंटीमीटर, तो विड्थ कितनी हो जाएगी? x माइनस 8. देखिए क्यों? क्योंकि भाई अगर लेंथ विड्थ से 8 ज्यादा है, तो विड्थ विड्थ लेंथ से 8 कम होगी. तो कैसे भी आप अज्यूम कर सकते हैं. तो जो कंडीशन दी है मैंने वो अज्यूम करा है क्या, कि जो लेंथ है वो विड्थ से 8 ज्यादा है. तो विड्थ अज्यूम कर ली मैंने 1 सेंटीमीटर और लेंथ अज्यूम कर ली x प्लस 8. अब बन जाएगा आपसे कोई दिक्कत नहीं. एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ. लेंथ इनटू विड्थ इज इक्वल्स टू एरिया कितना गिवन है? 240. बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए. x into x is x square plus 8 into is x is 8x, 240 left में आएगा, minus 240 is equals to 0 हो जाएगा. इसका देखिए फैक्टर बहुत इजीली हो जाएंगे. कैसे? 12 2 जा 24 होता है ना. वो जीरो लगा दो तो 12 into 22 40 हो जाएगा. 20 minus 12 कितना होता है? 8. बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए. x कॉमन ले लेंगे, x plus 20 minus 12 कॉमन ले लेंगे, तो x plus 20 is equals to 0. This implies that x minus 12 into x plus 20 is equals to 0. x is equals to कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर. नेगेटिव वैल्यू तो लेंगे नहीं हम. तो इसका मतलब विड्थ कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर. और लेंथ कितनी हो गई? 12 प्लस 8 मतलब x प्लस 8, 12 प्लस 8 दैट विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ओके, तो लेंथ कितना हो गया इसका? 20 सेंटीमीटर. और ब्रेथ या विड्थ जो भी बोल सकते हैं आप, 12 सेंटीमीटर. ओके.